हेलो बच्चों, आज हम वर्कशीट एक को डिस्कस करेंगे। यह वर्कशीट विज्ञान विषय पर बनाई गई है। यह वर्कशीट कक्षा 6 के लिए बनाई गई है, जो कि 9 सितंबर 2020 को बच्चों को दी जाएगी। यहाँ पर बच्चों को अपना नाम लिखना है, यहाँ पर अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। अब बच्चों वर्कशीट को पढ़ना शुरू करते हैं। आज आपने क्या खाया? आपने बच्चों जो भी कुछ खाया हो आपको यहाँ पर लिखना है। रोटी सब्जी सिंपल या दाल चावल जो भी आपने खाए हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। रोटी सब्जी। क्या आपने आज और कल एक जैसे खाना खाया था? अगर खाया था तो हाँ पे टिक करना है, हाँ लिखना है। नहीं खाया तो नहीं करना है, तो मैं लिख देता हूँ नहीं। अब बच्चों इसको आगे पढ़ते हैं। प्रत्येक भोजन विभिन्न पदार्थों से मिलकर बनता है, जैसे उबले चावल, या दो पदार्थ चावल और पानी से मिलकर बनता है। जो उबले हुए चावल होते हैं वो किन चीज़ों से मिलकर बनता है? चावल और पानी। अब ऐसे हमको बताना है कि रोटी बनाने में क्या क्या चीज़ें लगती हैं। रोटी बनाने में बच्चों लगता है आटा, लगता है और पानी लगता है। ऐसे खीर बनाने में क्या क्या लगता है? खीर बनाने में चावल, जो खीर के चावल होते हैं, चावल हो गया, चावल के साथ साथ दूध और यहाँ पर आ जाएगा चीनी। आगे लिखा हुआ है, अपने घर में किसी बड़े व्यक्ति से पूछिए कि छोले भटूरे बनाने में क्या क्या सामग्री लगती है। ठीक है बच्चों, इसका आंसर मैंने यहाँ लिख दिया। देखिए, छोले भटूरे बनाने में मुझे चना चना लगता है, छोले लगते हैं, आटा लगता है, नमक लगता है, खमीर पाउडर लगता है, तेल और पानी, ये सब छोले भटूरे बनाने में लगते हैं। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है, बच्चों हम अलग अलग समय पर अलग अलग तरह के खाने की चीज़ें खाते हैं। अपनी पसंद सबसे पसंदीदा किन्हीं 5 खाने की चीज़ों के नाम बताइए, उसके बारे में लिखिए। बच्चों अब देखिए, क्रम संख्या 1 में हलवे में क्या क्या लगता है? सूजी, घी, पानी और चीनी, जो यहाँ पर लिख दिया है। अब बाकी के 4 आपको बताने हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिए। और बाकी 4 चीज़ें देखिए, जैसे छोले भटूरे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, छोले भटूरे बनाने में क्या क्या लगता है? चना, छोले, आटा, नमक, खमीर पाउडर, तेल और पानी। ऐसे अगर मुझे खीर बनानी हो तो उसमें क्या लगेगा बच्चों? चावल, चीनी और दूध, इन 3 चीज़ों से खीर बन जाएगी। ठीक इसी तरह से अगर पुलाव बनाना हो तो उसमें क्या क्या लगता है? चावल लगता है, विभिन्न प्रकार की सब्जियां लगती है, तेल, पानी और मसाले, इन 5 चीज़ों से पुलाव बनकर तैयार हो जाता है। अगर मुझे आलू पराठा बनाना हो तो मुझे उसमें क्या क्या डालना पड़ेगा? आलू, आटा, नमक, पानी और मसाला, इन 5 चीज़ों से हमारा आलू पराठा बनकर तैयार हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारे भोज्य पदार्थ सहायक है, जो हम अब जो भी हम खाते हैं उनसे क्या होता है? वो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमारे शरीर में वृद्धि के लिए वो उपयोगी है, शरीर में टूट फूट की मरम्मत करते हैं और रोगों से हमारी रक्षा करते हैं, तो ये तो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब आगे देखिए, आइए उत्तर देने की कोशिश करें। ठीक है, प्रश्न क्या है? प्रश्न है, यदि आपको अपनी आपकी पसंदीदा खाने की चीज़ बनानी हो तो आपको किन किन आवश्यक सामग्रियों की ज़रूरत होगी? अगर आपको कोई आपकी पसंदीदा चीज़ है वो बनानी है, तो वो क्या क्या चीज़ें उसमें लगेगी? तो जो इसका आंसर है ये रहा, मुझे छोले भटूरे बहुत पसंद है। जैसे अभी मैंने छोले भटूरे के बारे में लिखा था, छोले भटूरे बनाने के लिए आटा, मिर्च पाउडर का तेल, खमीर पाउडर, नमक, पानी, विभिन्न प्रकार के मसालों की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, तो जो आज की जो वर्कशीट थी, वर्कशीट नंबर 1, जो कि कक्षा 6 के लिए बनाई गई थी और विज्ञान विषय पर यह वर्कशीट बनाई गई थी। तो आज की वर्कशीट में बच्चों बस इतना ही था। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।